नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र दलाल, नरेंद्र फार्मिंग में आपका स्वागत है। आज 10 अप्रैल 2023 भिवानी अनाज मंडी में पहुंच गए हैं और भाई आज गेहूँ की खरीद शुरू होगी तो गेहूँ आने लाग रहे हैं भाई। कंबाइन तब्बत तो कंबाइन के आवे हैं और ये खरीद वाले भी आ गए भाई अफसर, तो ये आने लाग रहे। एक बार भाई किसान तो बात करांगे। ले भाई, राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब, नाम क्या भाई अपना? भाई साहब बजरंग नाम। गांव कौन सा भाई? गांव बानगढ़। बानगढ़ के ले रहा है? गेहूं ले रहा हूं। सरकारी खरीद पे ले तो रहा हूं भाई साहब, बिकेंगे कि नहीं वो सरकार जाने। बिकेंगे भाई, वो खरीद वाले आ गए हैं, ये दिखा दें अपने, ये आ गए हैं अपने कागज को उठा की। अच्छा, तो गेट पास कटवा लिया? हां गेट पास कटवा। अच्छा, क्यों कर कटा है गेट पास नु बता दे पहले। तो गेट पास तो मंडी माननी है उड़े वा इनकी कमेटी की, कमेटी का ऑफिस है, ऑफिस कटवा के लाना पड़ेगा, आधार कार्ड देके। अच्छा, आज आपने पंजीकरण पहले करवा लिया था? हां पंजीकरण पहले। आधार कार्ड ले आओ और वो ऑफिस में चले जाओ, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दो और अपना आधार कार्ड नंबर दो। हां तो वो आपने ये दे देंगे निकाल के। भाई इतने क्विंटल की आपकी खरीद है? हाँ, मेरा जितना पास हो रहा है वो है उसमें। कितने क्विंटल पास हो रहा है आपका? मेरा तो लगभग 100 क्विंटल पास हो रहे। तो 100 क्विंटल एक साथ ले लेंगे, एक अलग अलग लेंगे? एक साथ ही ले लेंगे। एक के साथ 100 क्विंटल का काट की दे दिया ना? आज तो मैं 55 क्विंटल ले रहा हूँ। 55 क्विंटल का दे? अच्छा 55 क्विंटल ले रहे हो। तो कितनी औसत आओ भाई गेहूँ आगे नू बता? 50 का आसपास है। 50 मन का आसपास भाई, लगभग या आवा है जो नॉर्मल की होता है। हाँ फिर तो ठीक लग रहे हैं। क्यों? हाँ, कौन सी वैरायटी थी? यमुकट प्लस की थी भाई। अच्छा, हम इको का मुकट प्लस। अच्छा अच्छा, फिर कितना का कट्टा ले आए थे भाई साहब? पिछले साल बोड़ी थी घर के बोए। अच्छा अच्छा, चलो सारी ये नॉर्मल इतनी लग रहे हैं, 50 मन, 52 मन, 55 मन। चलो ठीक है भाई साहब। ठीक है भाई साहब। तो भाई ये किसान तो बात हुई भाई, और ये सरकारी खरीद के गेहूँ चढ़ाने लाग रहे हैं भाई। सरकारी खरीद शुरू हो गई है किसान साथियों। अरे यो भाई सुखाने लाग रहा है सरसम सुखी भाई। हाँ भाई रह रही है। रह रही है तो रह रही है भाई, ये दिखा दें आपने भाई। तो भाई यार तो सरकारी खरीद शुरू है, ये चढ़ा लाग रहे हैं। एक बार बोली दिखा दें अपने गुआर की उससे पहले भाई। ये भाई बोली दिखा, वहाँ एक बार गुआर दिखा दें आपने। 4500 तो बोली शुरू हुई है।55 30 35 40 45 50 55 60 90 91 52 55 60 90 91 52 55 60 90 91 52 55 60 90 91 52 55 60 90 91 52 55 60 90 91 52 55 60 90 91 52 55 60 90 91 52 55 60 90 91 52 55 60 90 91 52 55 60 90 91 52 55 60 90 91 52 55 60 90 91 52 55 60 90 91 52 55 60 90 91 52 55 60 90 91 52 55 60 90 91 52 55 60 90 91 52 55 60 90 91 52 55 60 90 91 52 55 60 90 91 52 55 60 90 91 52 55 60 90 91 52 55 60 90 91 52 55 60 90 91 52 55 60 90 91 52 55 60 90 91 52 55 60 90 91 52 55 60 90 91 52 55 60 90 91 52 55 60 90 91 52 55 60 90 91 52 55 60 90 91 52 55 60 90 91 52 55 60 90 91 52 55 60 90 91 52 55 60 90 91
तो भाई किसान साथियों, अगली डेरी थी चालन लाग रही, उससे पहले थोड़ी बातचीत हो गया। तो कल जो वीडियो बना के लाए थे कि वहाँ की भाई वहाँ तो उसमें तीसरी वेराइटी थी, वेराइटी का नाम नहीं मेरा भाई, उस किसान ने भी और किसी से लिया था। फिर लगभग हो सकता है तो पता करांगे भाई, उस तक कोशिश रहेगी। और भाई जिस दिन गेहूँ काटेंगे उस दिन भी पूरा वो रहेगा भाई कोशिश के भाई उस गेहूँ आगे देखाएँ वजन कितना के कुछ बैठेगा। तो अपनी कोशिश यह रहेगी भाई ताकि किसान साथियों ने भाई बढ़िया जानकारी मिले। तो देखो 8-10 दिन में गेहूँ काट लेंगे, उस टाइम आपने बतावांगे। तो यह बोली शुरू है दूसरी डेयरी की, वहाँ दिखा देंगे कि बाबा अपने पाँच रुपये का है, 4905 रुपये। देखिए भाई यह डेयरी ले भैया, तीसरी डेयरी की ओर दिखा दें, बोलिए अपना भगवान दिखा दें। हाँ वर्णा वार है भाई,
डेरी तो एक बार नरमा का और पता करांगे यार, तोलन लाग रही है तो बढ़िया अखबार की केवा है बेटा जी। साढ़े 5200 के भाव है भाई, बढ़िया अखबार के तो यार तुलन लाग रही है नरमा, तो एक बार नरमा के और पता करांगे। पहले तो एक बार नरमा देखा दिया। हाँ, हर निर्णय अखबार की बोली तो ये देखो भाई, एक बार नरमा भाई थोड़ा माइक में प्रॉब्लम चल रही है तो आवाज में थोड़ी बहुत दिक्कत आओ तो भाई देखियो बताइयो। यो नया अखबार है के बाबे की नरमा, ये भैया डेरी और दिखा दिया अपने अखबार की। डेरी भाई जो नरमा दिखाई दे किसान से बात करें। नमस्कार जी। नमस्कार। के नाम जी अपना? राम निहाल जी। गांव कौन सा है? नंदगांव। अच्छा, के भावे की अपनी नरमा? या 8230 रुपया कम नू लगा लियो, 7750 रुपया के भाव बेकी है या 70? अच्छा 70, 7770। ठीक, कौन सी वैरायटी थी जी? याद। अच्छा चलो ठीक है जी। ये भाई एक बार जुआ ही बोली और दिखा दिया। हाँ, घूम फिर की और एक बार मंडी का नज़ारा दिखा दिया। ये गेहूँ है भाई, गेहूँ आने लाग रही है। देखो भाई ये तो कह नहीं सकते भाई, दबा दबावे हैं फिर गेहूँ ठीक आने लागे। ये सारे कंबाइन तो लगड़ोड़े गेहूँ हैं तो ये सरसम तो भाई बस सूखी नहीं है, ये सूखने लाग रही है इन कास्ट मॉइस्चर तो गेहूँ। आज तो जो अपन किसान तक बात करवाई थी तो भाई आपने ऑनलाइन करवा रहे क्या, तो सीधा आओ अपने गेहूँ लियाओ और आधार कार्ड लियाओ और अपना फ़ोन नंबर अपना टोकन ले लो। ये जो है कि बोली शुरू हो रही है तो आगे बोली दिखावा ही आपने सीधी डेरी पर दिखा दिया। हाँ जो दिखा दिया आपने ये देख लो भाई, प्रधान जी 1800 भाई बात करूं के। हाँ बात जी, दस दस ही। हाँ भाई 10 रुपये 1810 भाई, बोलो भाई बोलो 1810 भाई। 11 जी, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 कौन खा लग रहा है बताओ, 21 खा। हाँ अबे किलो लग जाए प्रधान जी, 22, 40 है, 41, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 भाई 74 रुपये दो, बोला भाई 74 रुपये तीन गौरव का जी, एक और से भाई 1874 रुपये की है भाई यार डेरी। और अगली डेरी की और बोल दिखा दें आपने, जो दिखा दें 1800 बोली शुरू है। किलो है भाई इसमें किलो नहीं, 1825 किलो भाई। हाँ भाई 1825 74 वाह भाई गौरव। हाँ भाई 74 रुपये 74 भाई, बोला जी प्रधान जी आइयो
74 भाई बढ़िया माल से भाई सुक्का बोलो भाई बोलो 74 बोलिए जी बोलिए ओम प्रकाश बोलना 74 का करा वो बोलिए भाई साहब प्रधान जी आइयो 74 रुपया 3 है 1873 भाई या डेरी भाई हां ओके 50 ये बोली और दिखा दे आप नहीं डेरी की 1800 भाई 1800 प्रधान जी हाँ करो मैं 1800 मनो मनम तो कैसे मना क्या 1800 रुपये 1800 3 भाई 1800 देखे हैं भाई ये क्या डेरी नमी थी इसमें तो साथियों भाई अपना दुआ के ऊपर के भाव बता दें भाई ऊपर के 1950 रुपये का भाव है दुआ का और गुआर का भाई 5200 का बाजार चल रहा 5200 रुपये क्विंटल का बढ़िया गुआर का भाव है भाई और सरकारी खरीद गेहूँ की होने लगी भाई तो ये दिखा दें हाँ और दिखाएं घूम फिर की नरमा का भी दिखाएं ऊपर का के रेट पे क्या है तो दुआ की बोली चल रही है तो भाई एक पंडित जी से बात कर लिया हाँ भाई बोली पता आए हैं नमस्कार पंडित जी नमस्कार जी नमस्कार और ठीक सो तो की भाई बोली शुरू करू ना गेहूँ खरीद शुरुआत होगी होगी जी अच्छा सरकारी खरीद हाँ एक नंबर से आज अच्छा तो के कुछ देखे हैं कि वहाँ मैं देखे 12 पास होने चाहिए अच्छा हाँ तो शुरू होगी मिट्टी वगैरह नहीं हो भाई साफ सुथरे की ठीक होने ठीक अपना कांडा करके ले आओ घेर दो अपना आड़ती का घेर दो ठीक और जो प्राइवेट पे गेहूँ बेके हैं वह के भाव बेकन ला रहे हैं क्वालिटी देखी जाऊँ 2100 के आसपास बढ़िया सवा 2100 बिक जाऊँ अच्छा अच्छा ठीक और नू लगा लो 2100 का भाव चल रहा प्राइवेट बेचो तो सरकारी बेचो सरकारी ले लो ठीक दोनों एक भाव सरसों का बाजार चल रहा है 5200 ऊपर में जो अपनी कंडीशन ले रही 40 ठीक अच्छा और जो ऊपर में कह रहा जो भी 1900 अच्छा नर्म अच्छा सूखे दो और नर्मा का के बता रहा है सवा अठहत्तर सौ पच्चीस तो किमें और सरसराई है ठीक हुआ अच्छा और अपना बाजरा का के बाजार चलिया समझ लो बिका 2180 अच्छा 2180 और चना का के बाजार चल रहा है बिका है 85-51 पचास का अच्छा 5051 हाँ 5100 5150 अच्छा और मूंग का के बाजार चलिया 70-75 अच्छा 7000 ऊपर अच्छा और खड़का के बाजार है 33-34 अच्छा और बिंदोला का बिंदोला 48-49 बढ़िया नीचे में 38 रुपये अच्छा और जो अपने सरसों का तेल का के बाजार चल सरसों का तेल से खुदरा में 11-12 अच्छा 110-12 रुपये ठीक और अपनी देसी नरमा देसी, ना देसी का पास आती होनी वैसे भाव से 88-90 के 9000 अच्छा 9000 के आसपास के भाव ठीक और मेथी का के बाजार चले मेथी समझ लो कि बाजार ठीक से 51 के भाव 51-52 5152 बढ़िया मेथी बढ़िया मेथी की चलो तो सरकारी सरसों की भी चल रही है खरीद हाँ वो चारा मंडी में वो अच्छा चारा मंडी में शिफ्ट होगी हाँ चारा मंडी में शिफ्ट होगी आड़ा गेहूँ आगे होगी पूरे गेहूँ आगे होगी चलो ठीक है पंडित जी धन्यवाद तो भाई ये भाव पूछे अपन है तो ये गेहूँ रहता हूँ भाई आड़ा जमींदार ले रहे हैं गेहूँ तो किसाना तो बात कर लिया हाँ अपने हैं गेहूँ अच्छा ए वो भाई किसान तो बात करांगे तो गेहूँ ले आए थे गिर दिए हाँ गिर दिए भाई कई किले कटवा लिए भाई 8-10 किले कटवा लिए कितनी कोसत आई कोसत क्या हो भाई पड़ रहे नुकसान है कौन सा काम अपना तगड़ा नाम क्या है अपना हरिओम हरिओम जी तो लगभग कितनी कोसत होगी मार्च भाई 30-35 मिल गई हाँ जो भाई आप देखी थी भाई आपका और भी ज्यादा नुकसान ज्यादा सही बात है कौन सी वेरायटी बोरिया की थी 30-86 ये औसत लग रही है 30-35 मन की चलो तो गिर दिए आपने 10-11 किलो गिर दिए अच्छा कंबाइन कटवाई थे अच्छा कंबाइन वाला के भाव काटा है वो 1300 रुपये किलो का 1300-1350 अच्छा हाँ 1300 ले ले कोई 1350 ले ले चलो ठीक है जी तो भाई ये किसान ले आओ भाई और ढूंढ घेरते हैं भाई आप अपना आड़ दी गए तो भाई ये भी आ रहे थे भाई किसान है तो गिर दिए भाई क्यों लागे काटना है चलो तो किसी को सताओ भाई बस ये 70-80 किलो की 70-80 मन आ जा है आराम से
कौन सा काम है? तकड़ाना है मेरे यार, तकड़ाना का वो भाई तो कम बताओ था तू गणे बता ना। है मोकले हो हाथे हो है और के गणेल, आप तेरा गणे लग रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है भाई, तो भाई तेरा गणे के ऊपर लग रहे भाई 70-80 मन किले के है भाई, किसी धरती किसी है अच्छा हाँ। कौन सी वैरायटी बोरिया की थी? मैंने बोरा की थी हाँ, अरे कच्चे अच्छा हाँ। चलो ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो भाई यो भाई दो भाई 70-80 मन की बताओ भाई, चलो भाई कितने लकड़ भी आवे हैं भाई, ये फिलहाल इनका तो इतनी औसत लाग दी को नहीं। और भाई गमा गमी खूब हो रही है साधना की, अड़े पड़े हैं भाई आन लागे किसान भी भाई अपने गेहूँ गेहूँ लेके और सरसम भी जो भी भाई। तो भाई एक भाई किसान तो बात करा है, नमस्कार जी। अब मैंने कौन करनी है, क्या कौन ही करनी आंधी बात है, वो भी बतलाओ है वो हा? नाम क्या अपना? नाम तो जयपुर से। गांव कौन सा है? बामला। तो बामला कहना बात कौन ही करनी आंधी, सरसम ले आए हो गए और प्राइवेट बेचोगे सरकारी पे? सरकारी पर। सरकारी तो फिर उड़े तारा मंडी वाली साइड हो, आड़े भी गिर ले हैं, आड़े भी गिरवा रहे थोड़ी मोड़ी। अच्छा थोड़ी मोड़ी पड़ जाए ठीक, चलो ठीक है। तो कौन सी वैरायटी थी सरसम की? वैरायटी थी 45-40 कितनी को सताई? ये थी गार्डन फुके उड़ी है 5 मन की आई थी गार्डन है। अच्छा चलो ठीक है, ले भाई ताऊ दो और बात कर ले एक भाई, ट्रैक्टर पत उतरिया है। राम राम ताऊ। राम राम भाई। नाम के ताऊ? जय सिंह। जय सिंह। गांव कौन सा? गांव दो फरवाना। फरवाना फिर बहनी के करे तू बहनी मामला रहा है? अच्छा जमींदार का कोई बचत नहीं, कोई बचत को नहीं, खर्चा लग गया भाई। जी तो सरसम में कह रहे आज का सरसम का गार्डन फूक दी, गार्डन फूक दी, कितनी को सताई? तो 15 मना जाए कि 10 मना जाए। हाँ ठीक, और गेहूँ में के भी होता है? 2 मन भी आ जाए। गेहूँ में के भी होता है? छुट्टी करवा दे उनका लाग लोग के। गेहूँ में के भी होता है? क्या हो रहा है गेहूँ में भाई? 40 मन 35 मन। अच्छा हाँ माड़े हैं? माड़े नहीं, अड्डे पड़ गए हैं, अड्डे पड़ गए बस खड़े हैं वो भी दम को नहीं, दम ठीक को एकदम बढ़ गए के बात है। चलो ठीक है ताऊ, ठीक है भाई। प्राइवेट में जो बैठे हैं वह भी लगभग प्राइवेट की हूँ वह भी भाई 2100-2100 के आस पास बैठे हैं, तो गेहूँ सरकारी खरीद चल रही है। तो साथियों पूरी मंडी का दौरा लगा दिया है और भाव की जानकारी लगभग दे दी आपने। नरमा भाई 78-78 के आस पास बिकन लाग रही है, जो भाई 1950 के बाजार ताले भाई ऊपर के टॉप क्वालिटी के, और गेहूँ सरकारी खरीद शुरू होगी भाई आते हैं। और सरसम भाई सरकारी खरीद पर गेहूँ के रेट बता दें भाई 2125 रुपये 2125 रुपये, और सरसम भाई सरकारी खरीद पर बेकन भी लाग रही है, सरसम भी बेकन लाग रही है। और भाई अपना जो गुआर है गुआर के भाई 550 के बढ़िया गुआर के भाव चल रहे हैं भाई, और बाजरे के भाई 2100-2150 के आसपास के भाव चल रहे हैं। तो ये दिखा दें भाई गेहूँ भी खूब आने लाग रहे हैं और सरसम भी आने लाग रही है भाई। सरसम भाई दूसरी मंडी में शिफ्ट होगी भाई चारा मंडी में, तो उड़ा सरसम लिए जाएगी भाई इन अनाज मंडी में आ रहा है भाई गेहूँ लिए जाएंगे। तो नरमा की डेयरी बहुत कम देखने मिल रही है, जो भी आने लग गए भाई थोड़े ठीक से जो आवे हैं सरसम भी आवा है चौकी, और प्राइवेट में भी सरसम बेचने लग रहे हैं लोग भाई। सरकारी पर कोई घनी का पता नहीं इतना, दूसरी मंडी में जाली आड़े भी बतेरे डेयरी आ रही हैं, और ही बनमी भी है सुकान भी लाग रहे हैं, और भाई गेहूँ आई डेयरी भी ये दिखा दें आपने खूब पड़ी है भाई, और दूसरे सड्डा पर पड़ी है। तो साथियों ये थी आज भिवानी मंडी के भाव की वीडियो, तो अपनी वीडियो कैसी लगी ज़्यादा शेयर करियो, और जो अपने साथी नए आए हैं चैनल पर तो अपना चैनल सब्सक्राइब करना भाई। नमस्कार।